हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो इट्स अराउंड 3 AM एंड आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल दैट इज फ्रॉम मिंट कि डू नॉट बाय कार रेफ्रिजरेटर दिस हॉलीडे सीजन। दैट्स लाइक स्टेटमेंट गिवन बाय जेवर। सो माय क्वेश्चन इज कि अभी एक इस टाइप का इन्वायरमेंट बन गया है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा ले ऑफ हो रही है। अभी अमेजोन 10,000 लोगों को ले ऑफ कर दी है, फेसबुक 11,000 लोगों करी है। सो मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी जिसमें कि अभी इंडिया में मोर देन 60,000 लोगों का ले ऑफ हो चुका है, दे आर अनएम्प्लॉयड। सो अभी ये चीज़ ये इसके कारण ना बहुत सारे कॉलेज में हायरिंग फ्रीज चल रही है। हायरिंग फ्रीज इन द सेंस कि कॉलेज से कंपनी हायर तो नहीं कर रही है एम्प्लॉय, बट एक्स्ट्रा एम्प्लॉय हायर भी नहीं कर रही है। दैट्स कॉल्ड द हायरिंग फ्रीज। सो बहुत सारी कंपनी में हायरिंग फ्रीज चल रही है। सो माय क्वेश्चन इज कि क्या ये आपको अफेक्ट करेगी, क्या ये आपकी कैरियर को अफेक्ट करेगी? इवन अगर आप 2023 पास आउट हो एंड अगर आपका जॉब नहीं लग पा रहा है ड्यू टू हायरिंग फ्रीज, तो क्या ये आपकी कैरियर को अफेक्ट करेगी? एंड ये सब के बारे में मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमें रियली रिसेशन के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आप ये स्टेटमेंट देख रहे हो कि डोंट बाय कार रेफ्रिजरेटर दिस होलीडे सीजन। सो माय क्वेश्चन इज कि इट्स नॉट अबाउट दिस होलीडे सीजन। हमें हमेशा अपने पास इनफ सेविंग रखना चाहिए कि नॉट अबाउट द रिसेशन। लेट से अगर आपके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण आप काम नहीं कर पाओगे इन फ्यूचर, तो आपके पास इतना सेविंग होनी चाहिए कि आप रेस्ट ऑफ द लाइफ एक मिडिल क्लास वेयर मिनिमम लाइफ आप एक्सपेंड कर सको। सो लाइक लेट्स से कि अभी आप 25-26 के एज में हो एंड अभी लाइक एवरेज इंडिया में एज क्या होता है, अराउंड 80 ईयर तक मान लो अगर आप जिंदा रहते हो, तो आप 80 ईयर तक जीने के लिए जितना पैसा आपको चाहिए उतना आपका सेविंग होनी चाहिए। अगर आपके पास उतना सेविंग नहीं है देन यू शुड लाइक कट सम कॉस्ट। लाइक अभी आप आई नो कि अभी आप जस्ट कमाना स्टार्ट किए हो तो आपको बहुत सारा शौक होगा, बहुत सारे एक्सपेंड करने के शौक होंगे, बट वो सब करना, बट पहले उतना पैसा सेव कर लो। सो इट्स नॉट अबाउट रिसेशन। मैं हमेशा वीडियो में प्रमोट करती हूँ कि यू शुड सेव फर्स्ट। अभी मेरे चैनल पे अदर वीडियो देख सकते हो। अभी रिसेंटली एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा था, दैट्स अबाउट कि हाउ आई एम सेविंग माई मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सैलरी। वो वीडियो भी आप अभी देख सकते हो, इसी चैनल पे है। सो माई पॉइंट इज कि इवन रिसेशन नहीं भी है फिर भी आपको अपने सैलरी का मैक्सिमम परसेंटेज अभी 20s mid 20s में हो या early 20s में हो इसको आप सेव करो। हाँ मस्ती करो, मैं भी बहुत इंजॉय करती हूँ। आप मैं इंस्टाग्राम पे जाके देख सकती हो मैं बहुत ज़्यादा घूमती हूँ, बट ये सब करने के बावजूद भी मैं फिजूल खर्ची नहीं करती एंड मेरा इनफ सेविंग हो जाता है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिसेशन, आपको सेव हमेशा करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्या आपको इससे डरने की ज़रूरत है? देन मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि हाँ इससे आपका स्टार्टिंग में जॉब सर्च थोड़ा डिफिकल्ट होगा, हो सकता है कि आपका ले ऑफ भी हो जाए, बट कोई भी रिसेशन ना 1-2 साल से ज़्यादा नहीं टिकती है, मैक्सिमम 6 मंथ टिकती है। इवन आप 2008 में जा करके देखो, मैं उस टाइम का पूरा मैं डाटा एनालाइज करी हूँ, पूरा आर्टिकल उस टाइम का पढ़ी हूँ। सो आफ्टर रिसेशन क्या हुआ था, फिर से मास हायरिंग स्टार्ट हुई थी। तो आप क्या कर सकते हो कि ये टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, सो डेट कि जब फिर से मास हायरिंग स्टार्ट हो तो उसका आपको बेनिफिट मिल सके। क्योंकि ऑफ कोर्स अभी कंपनी हायरिंग फ्रीज कर रखी है, ले ऑफ करी है, तो एक टाइम के बाद कंपनी में इम्प्लॉयज की शॉर्टेज होगी एंड उसके बाद कंपनी मास हायरिंग स्टार्ट करेगी। तो इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो इसीलिए अभी आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, जिससे कि आप अच्छे से यूटिलाइज करके आप उस टाइम के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे जब कंपनी मास हायरिंग अपना स्टार्ट करेगी। एंड मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। लेट से कि अगर आप अभी प्रिपरेशन नहीं करते हो एंड जब आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड तब अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे देन आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। ये मैं पर्सनली फील की थी जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, सॉरी जब मैं फोर्थ ईयर में थी। एक्चुअली अभी मैं नाइट है, अभी मैं सोने जा रही थी, सो आई एम इन लाइक मुझे थोड़ा नींद भी आ रहा है, सो दैट्स आई एम स्लीपिंग माई टंग। सो बेसिकली जब मैं फोर्थ ईयर में थी तो फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में मुझे गूगल से
इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी आई थी, बट मैं कुछ राउंड देने के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि उस समय मैं प्रिपेयर्ड नहीं हो रही थी। इसलिए मैं ये फील कर सकती हूँ कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है ना, आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, तब बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो उसी तरह से अभी अगर आपका लाइक हायरिंग फ्रीज हो रही है, कारण आपका जॉब नहीं लग रहा है या ले ऑफ हो चुका है आपका, तो आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो एंड प्रिपेयर्ड रहो कि जैसे ही फिर से मास हायरिंग स्टार्ट होगी तो आप उस टाइम पे इजिली कोई अच्छी कंपनी का जॉब ऑफर ग्रैब कर सकोगे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपदा में अवसर ढूंढो। अभी आप मतलब प्रिपेयर्ड रहो फॉर लाइक जब ये रिसेशन खत्म होगा उसके लिए, क्योंकि ये देखो ये ज्यादा दिन लास्ट नहीं करने वाली है। एंड जहाँ तक बात रही कि अगर आपके कैरियर में गैप हो जाएगा तो कोई इशू होगी या नहीं होगी, तो मैं आपको ना एक बात अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन ले ऑफ एंड फायरिंग। कोई भी कंपनी अगर आपको ले ऑफ करती है, दैट डजेंट मीन्स कि आपको आपकी कैपेबिलिटी कम है, आपके पास स्किल कम है। इट जस्ट बिकॉज कि कंपनी के पास रिसोर्सेज कम है, उसलिए वो कुछ एम्प्लॉय का ले ऑफ कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो, तो इसके लिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, सबसे बड़ी बात है। फायरिंग डिफरेंट होता है, फायरिंग में हो सकता है कोई एम्प्लॉय है वो कंपनी में बहुत ही गंदा परफॉर्म कर रहा है, कोई भी काम सही से नहीं कर रहा है, उसके लिए फायरिंग वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन ले ऑफ का मतलब ये नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो। बहुत सारे मैं प्रोफाइल देखी हूँ जो फेसबुक अमेजोन से ले ऑफ हुआ है, वो दे आर MIT ग्रेजुएट। अब ये तो नहीं बोल सकते कि MIT ग्रेजुएट कैपेबल नहीं होंगे, ऑफकोर्स दे आर कैपेबल, बट ड्यू टू दिस सर्कमस्टांसेस दे गॉट लेड ऑफ। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अपनी कैपेबिलिटी को कभी डाउट मत करना एंड प्रिपरेशन करते रहो एंड ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि देखो जो चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते हो ना, इसके लिए रिग्रेट नहीं करना चाहिए। ये मैं बार बार बताती हूँ, जब भी मैं वीडियो में लाइव जाती हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि उनका BCA बैकग्राउंड है या उनके पास टीयर 1 कॉलेज नहीं है, या बहुत सारे होते हैं मतलब एक्सक्यूजेज कह सकते हो कि उनका ब्रांच अच्छा नहीं है जिस कारण से उनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो मेरा क्वेश्चन यही होता है कि जो चीज़ को आप चेंज कर सकते हो उसी चीज़ पर फोकस करो। क्या आप अपने ब्रांच को चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। अपने कॉलेज को भी चेंज नहीं कर सकते हो। सिमिलरली अभी जो ये रिसेशन चल रही है इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए अगर जब आप अगर चेंज नहीं कर सकते टेंशन नहीं लो। ऐसे भी इंडिया में रिसेशन का उतना ज्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ा है, बट स्टिल अभी फायरिंग भी बहुत हो रही है। फायरिंग इन द सेंस कि अभी ले ऑफ, सॉरी आई शुड नॉट यूज द वर्ड फायरिंग, अभी ले ऑफ भी बहुत ज्यादा हो रही है एंड हायरिंग फ्रीज बहुत सारी कंपनी में है, उसलिए 2023 बैच ज्यादा सफर कर रहे हैं। बट ये चीज ना ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर फिर से मास हायरिंग स्टार्ट होगी एंड तब आपका डेफिनेटली जॉब लग जाएगा। सबसे पहली बात, अगर आप जॉब कर रहे हो तो सेविंग करो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिसेशन, आपको हमेशा सेविंग करना चाहिए। इतना सेविंग करना चाहिए कि अपने आने वाले अगर आप 50 साल जिंदा रहते हो तो पूरा जिंदगी आप एक वेयर मिनिमम लाइफ जी सको। सेविंग करनी है आपको। सेकेंड क्या करनी है, आपको अपने स्किल इम्प्रूव करते रहना है। स्किल स्किल इम्प्रूव करना इन द सेंस कि अगर आप अभी आपके पास जॉब नहीं है तो आप उस टाइम के लिए प्रिपेयर्ड रहो, जब अचानक से मास हायरिंग स्टार्ट होगी तो फिर आप उस टाइम अच्छा इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी एंड अच्छा ऑफर ग्रैब कर सकोगे। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट की टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं करना है, ये टाइम बहुत जल्दी चला जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट, इस टाइम पे अगर आपका कैरियर गैप आ जाए ना तो इससे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों के साथ कैरियर गैप आएगा, बस आपके साथ नहीं आएगा। सो ऑफ कोर्स कंपनी को एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी एंड वो उस टाइम पे ये कैरियर गैप को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस टाइम पे ये रिसेशन चल रही थी, हायरिंग फ्रीज चल रही थी, इस कारण से लोगों में कैरियर गैप आया है। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट दिस चैनल। सो दिस चैनल इज ब्रॉट टू यू बाई न्यूटेड स्कूल। न्यूटेड स्कूल एक काफ़ी अच्छी प्लेटफॉर्म है जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब लेने में हेल्प करती है। सो आप न्यूटन स्कूल का साइट सर्च कर सकते हो, ये रही न्यूटन स्कूल की साइट। एंड यहाँ पे जा करके आप यहाँ के जो प्रीवियस एलुमनाई है उनका रिकॉर्ड भी देख सकते हो। एंड अभी न्यूटन स्कूल की न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट कमेंट पे क्लिक करके आप न्यूटन स्कूल के न्यू बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो।
सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.